हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकेंड ईयर में है और उनके लिए हम जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर लेके आए हैं। बेटा ध्यान से देख लेना, बीए सेकेंड ईयर वाले जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर है, जिसे हम आर्थिक भूगोल कह सकते हैं, भूगोल कह सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक जियोग्राफी आपका पेपर का नाम हो जाएगा और भूगोल का फर्स्ट पेपर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आने वाले क्वेश्चन है बेटा, ये इंपोर्टेंट की अलग बात होती है, ये आने वाले हैं, समझ रहे हो ना, आने वाले। हाँ तो याद रख लेना, इनके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ और देखना भी नहीं है मैं जो बोल रहा हूं। और एग्जाम से 2 दिन पहले आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, उत्तराखंड यूके के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं या फिर बिहार से भी हैं, तो आपके लिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 10 दिन, सॉरी 2 दिन पहले 10 क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों को रट लेना आप अच्छे तरीके से। 10 क्वेश्चन दूंगा 2 दिन पहले, अलग अलग यूनिवर्सिटी के। ये जो पेपर है वो ऑल यूनिवर्सिटी का है, सबके हिसाब से बनाया है, सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। और 10 क्वेश्चन दूंगा अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, आप वो क्वेश्चन पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को, और साथ में बीए पेपर हैकर यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है बीए बाई पेपर हैकर। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को? चलो पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, उसकी विषय क्षेत्र के बारे में बताइए, उसकी संकल्पनाएं क्या रही है, उनकी विधियां क्या रही है, ये आप देखना है। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। हाँ सभी लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। बोला गया है देखो कि आर्थिक भूगोल मतलब जिसे कहते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी, तो इकोनॉमिक जियोग्राफी होता है उसकी परिभाषा आपको देख लेना है, विषय क्षेत्र के बारे में देख लेना है, उसकी संकल्पना के बारे में देख लेना है, उसकी विधि के बारे में देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति संसाधन का वर्णन करना है और उनका संरक्षण किस प्रकार से करेंगे। प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, ठीक है, उनका हमें संरक्षण किस प्रकार से करना है और उनका हम वर्णन किस प्रकार से, उनकी परिभाषा जो होती है प्रकृति संसाधनों की, वो अच्छे तरीके से हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन संसाधन, उनके महत्व और उनसे अभिप्राय क्या होता है, वन संसाधन क्या होते हैं, उनकी परिभाषा, उनके महत्व के बारे में याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मिट्टियों का आर्थिक महत्व क्या होता है। मिट्टी तो जानते हैं, जिसे सॉइल कहते हैं, SOIL, सॉइल, ठीक है, का आर्थिक महत्व क्या होता है, उसकी संरचना, उसका निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से, मतलब कि हमें मिट्टियां का, जो मिट्टी होती है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा कि विश्व में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र बताओ, हमारे पूरे विश्व में दूध का उत्पादन जो क्षेत्र में, जो क्षेत्र में होता है वो बताओ, चावल का कहाँ होता है, गेहूं का कहाँ होता है, उनकी फसल का आपको वर्णन कर देना है। सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं चावल और उसका दूध का कहाँ होता है, और उसका फसल का पूरा किस प्रकार से फसल इसका निर्माण किया जाता है, गेहूं किस प्रकार से बोए जाते हैं, काटे जाते हैं, वो सब कुछ आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज तेल, जिसे हम पेट्रोलियम तेल कहते हैं, पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, उनके महत्व आपको बताना है कि खनिज तेल के महत्व बताओ और जल विद्युत उत्पादन क्या होता है, जल विद्युत उत्पादन को भी हम देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, जिसे कहते हैं लोहे का अस्क, मैग्नीज क्या होता है, उसके महत्व के बारे में देखेंगे, इस्पात उद्योग, उनके वस्त्र उद्योग के बारे में देखेंगे, इस्पात उद्योग और उसके वस्त्र उद्योग के बारे में अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला जाता है, ध्यान से देखेंगे बेटा, विश्व में प्रमुख आयात और निर्यात की समीक्षा बताइए। आपको करना है विश्व में प्रमुख जो आयात और निर्यात है उनकी समीक्षा आपको करनी है, उसका वर्णन करना है। ये सारे क्वेश्चन के हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ हम नोट्स भी आपको देंगे, हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को याद करके चले जाते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं दिखाई देगा, सारे क्वेश्चन वहीं फंसेंगे, 85% यहां से मिलेगा आपको देखने को। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे वंचित ना रहे। यहां बोला गया है विश्व में प्रमुख वायु मार्ग के बारे में आपको बता देना है, और विश्व में घास क्षेत्र के बारे में, घास मैदान कहाँ कहाँ है, और रबर उत्पादन क्षेत्र के बारे में बता देना है, चाय उत्पादन का वितरण बता देना है, और भ्रामक उत्पादन क्षेत्र के बारे में बता देना है। भ्रामक, चाय, रबर और वायुमार्ग, घास मैदान बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा,
और देखो उसके बाद में आ जाता है लास्ट है बस ये क्वेश्चन, ये है ताबा उत्पादक क्षेत्र, मतलब ताबा कहां उत्पन्न होता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इफेक्टेड आपको बताना है कौन इफेक्टेड पहुंचाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को। उसके बाद में है ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है उसके बारे में बस देख लेना, बाकी और कुछ नहीं कहूंगा। जो साइबेरियन देखो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है उसके बारे में पढ़ लेना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। इतने ही क्वेश्चन आप याद करके 85% ला सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जियोग्राफी के सेकेंड पेपर की बात करूंगा। आप देख रहे हैं सेकेंड पेपर भारत का भूगोल जियोग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से पेपर आपका होगा, ये बता दूंगा। सभी छात्र एमसीक्यू क्वेश्चन जिसके भी आ रहे हैं वो एमसीक्यू की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें बताइए, कॉमेंट करिए, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और मैसेज करके हमसे हर सुविधा हर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक चैनल और है जिसका नाम है बीए पेपर हैकर, बीए बाई पेपर हैकर के नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।